हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीना क्लासेस। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स का मैथ्स मैराथन। एक वीडियो में आपका कंप्लीट चैप्टर का सोल्यूशन मिलेगा आपको, एमसीक्यू जो टर्म वन में आने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यू फॉर टर्म वन। इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं आपके टर्म वन के डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। सो इस वीडियो को अच्छे से देखिए, एंड तक देखिए, ईच एंड एवरी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के साथ में आंसर दिया जाएगा। आप स्टार्ट करते हैं। डेसिमल फॉर्म ऑफ 129 बाई दिस इज अ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब टर्मिनेटिंग के लिए क्या जरूरत होता है, टर्मिनेटिंग के लिए कोई भी जो रेशनल नंबर है p बाई क्यू, और टर्मिनेटिंग होने के लिए क्या चाहिए, q का जो होना है, q किस फॉर्म में रहते हैं, 2 to the power m और 5 to the power n, इस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। और रिपीटिंग के लिए क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग के लिए क्या होगा, ये फॉर्म नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। रिपीटिंग के लिए क्या कंडीशन है कि p और q ये क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, ठीक है। P और Q दोनों कैसे होना चाहिए, को प्राइम, मतलब को प्राइम मतलब क्या होता है, कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, कोई भी कॉमन फैक्टर इसके 1 के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो इसमें देखिए, ये जो नंबर्स है Q और ये क्या है, दिस इज P और ये क्या है Q, इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। सो क्या हो गया हमारा, सिर्फ 1 छोड़ के। सो ये कैसे हो गया, P और Q को प्राइम हो गया, दैट इज ये कैसा कंडीशन बोल रहा है कि रिपीटिंग तो होगा, ठीक है, रिपीटिंग होगा। अब चेकआउट करते हैं कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। सो क्या हमने देखा, टर्मिनेटिंग के लिए ये होना चाहिए 2 to the power m और 5 to the power n। अब क्यू है हमारे पास है कितना, देखो यहाँ पे 2 to the power m, 2 to the power 2 है, ओके नो प्रॉब्लम, सेटिस्फाई हुआ। 5 to the power n है, लेकिन एक्स्ट्रा 5 to 7 to the power 5 है, जो कि क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो रिपीटिंग इज सेटिस्फाइड, नॉन टर्मिनेटिंग सेटिस्फाइड, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ओके। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल, क्या वाला है, निगेटिव फॉर्म है यहाँ पे, नॉट इरेशनल मतलब क्या है ना, इरेशनल नहीं ढूंढना, मतलब क्या देखना है कि रेशनल है, नॉट इरेशनल मतलब क्या ढूंढना है आपको कि वो रेशनल है। अब आपको चेक करना है एक एक करके, ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है क्योंकि 2 into 2 4 होगा या 2√3, ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे एग्जांपल सी देखिए, सी को सॉल्व करना पड़ेगा हमारा, √2 - √3 √2 + √3, आपको पता होगा a + b a - b क्या होता है, a² - b² सो √2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 - 3 डेट इज द -1, ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। सो नॉट इरेशनल मतलब क्या हो गया, रेशनल नंबर ढूंढना है, सो दिस इज सी रेशनल, ध्यान दीजिएगा निगेटिव है, नॉट इरेशनल मतलब क्या है, वो रेशनल नंबर है, क्लियर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज, क्या हो सकते हैं, क्वेश्चन पहला वाला है, क्या हो सकता है, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। आप एक रेशनल नंबर ले लो √2 और एक इरेशनल नंबर 2, क्या होगा प्रोडक्ट का, 2√2, ये कैसा है, इरेशनल नंबर है। सो क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, बी इरेशनल नंबर्स, ओके। दूसरा नंबर दिया है, क्वेश्चन दूसरा है, द सम ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। सिमिलरली आप क्या करोगे, दब क्या करोगे, रेशनल और इरेशनल नंबर का सम करो, √2 + 2, तो क्या आ जाएगा, ये अगेन आएगा इरेशनल नंबर्स। सो क्या होंगे, इरेशनल नंबर, ये ऑप्शन भी इसका भी क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोडक्ट ऑफ 2 different इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, अब क्या करना है, डिफरेंट इरेशनल नंबर को अगर प्रोडक्ट करते हो, जैसे कि आप √3 ले लो √2 ले लो, तो क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा, अगेन क्या आ गया, इरेशनल नंबर। यहां भी क्या होगा, ऑप्शन बी क्या होगा इसका, करेक्ट होगा ऑप्शन बी। लास्ट, सम ऑफ द 2 irrational नंबर इज ऑलवेज, अब 2 irrational नंबर का सम करते हो आप, दैट इज √3 + √3 करोगे तो 2√3 आएगा, या √3 + √5 करो, सो ये क्या होगा, हमेशा ही इरेशनल नंबर रहेंगे, तो क्या होगा, ये भी होगा इरेशनल नंबर बी। सो ये सारे क्वेश्चन मैंने एक साथ डाल दिए थे, लेकिन क्योंकि ये अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है आपका इरेशनल नंबर का, सो ये सारे क्या होंगे, सब इरेशनल नंबर होंगे, क्लियर। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, इफ b = 3 देन एनी इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a = 8।
अब क्या होगा, b इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, b इक्वल्स टू दिया हुआ है 3। b इक्वल्स टू 3 मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए b इक्वल्स टू 3, 3 इज द कॉन्स्टेंट टर्म, सो क्या लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू क्या लिख सकता हम, b इंटू क्यू। सो क्या होगा, ये मल्टीपल के फॉर्म में होगा, a इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग, 3q 6q 9q एंड सो ऑन मल्टीपल ऑफ 3, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय, क्या है क्वेश्चंस, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या हो सकते हैं, x हो सकते हैं, दूसरा होगा x प्लस 1 एंड होगा x प्लस 2। ये नंबर्स जो होते हैं 6 से डिविजिबल होता है, सो आंसर इज 6। क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, अ सेमिनार इज बीन कंडक्टेड बाय एन एडुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, वेयर द पार्टिसिपेंट्स विल बी एडुकेटर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 and 108 रेस्पेक्टिवली। इससे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बींग इन द सेम सब्जेक्ट्स, हिंस मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स डैट आर एकोमोडेट इन द ईच रूम। मैक्सिमम नंबर पूछेगा मतलब क्या है, आपको निकालना है एच सी एफ, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, किसका किसका, 60, 84 and 108। इसका एच सी एफ निकालना है, तो 60 का क्या होगा, प्राइम फ्रैक्शन कर लीजिए आप, 60 प्राइम फ्रैक्शन क्या क्या हो सकता है, देखिए 60 का करिएगा तो यहीं पे कर लेते हैं, 2, 30, 15, 5, 3, देन 84 का करिए 2 से 4, 2, 2, 2, 1, 7, 3 एंड देन 108, इसका आप करिए 2 से 5, 4, 2 से 2, 7, 3 से 9 एंड 3 से 3। अब ये तीनों में कॉमन दिखना है, एच सी एफ आपको निकालना है, एच सी एफ तीनों में क्या क्या है देख लीजिए आप, यहाँ पे 2 है, चलिए 2 आ जाएगा, 2 इंटू, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2, 2, 2, तो यहाँ पे 2 आएगा इंटू, अब यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, इंटू 3। और कोई कॉमन है यहाँ पे, देखिए 5 है यहाँ पे, 7 है यहाँ पे, और कहीं पे नहीं है, और कोई कॉमन नहीं है, सो 2, 2 जा 4, 3 जा 12, सो 12 क्या होगा, 12 इज द करेक्ट आंसर। क्या निकालना है, जब पूछेगा मैक्सिमम तो क्या निकालना पड़ेगा आपको, क्या पूछा था, मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स डैट एकोमोडेट इन ईच रूम, सो सब रूम में कितने पार्टिसिपेंट होंगे, 12 करके पार्टिसिपेंट्स क्या करेंगे, एक रूम में रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9th इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है, बोला है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ रूम्स आपको निकालने हैं, अभी अभी जस्ट निकाला आपने एच सी एफ, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, एक रूम में कितने निकाला आपने कि 12 पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, और कितने पार्टिसिपेंट्स है टोटल, 60 प्लस 84 प्लस 108। आपसे पूछा है कि कितने रूम होंगे, एक रूम में अगर 12 रहेंगे, सारे को ऐड कर दो, डिवाइड कर दो, एग्जैक्ट डायरेक्टली आंसर निकल जाएगा आपका 8, 4, 12। सो क्या होंगे, नंबर ऑफ रूम कितने रिक्वायर होंगे, 21। ऑप्शन डी इज द करेक्ट, क्लियर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द LCM ऑफ दिस दिस एंड दिस, इन सबका LCM क्या होगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स, तो आपको LCM निकालने हैं 60, 84, 108। सो आप यहाँ पे निकाल लो जनरली 30, 4, 2, 5, 4, देन 2 अगेन, यस 15, 21, 27, अभी अब 3 से 3, 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27। अब क्या करें, LCM जो होगा वो क्या होगा, सभी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 into 2 into 3 into 5 into 7 into 9, 2 2 जा 4,
और 5 थ्री जा 15, 15 फोर जा 60 इंटू 9 सेवन जा 63। आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 0 6 थ्री जा 18 कैरी 1 36 37 80 37 80 इज़ द आंसर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, 37 इज द 37 80 इज द आंसर। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोडक्ट ऑफ एल सी एम एंड एस सी एफ ऑफ दिस एंड दिस। सो आपने अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन में आपको इस तरह से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में एक बेनिफिट है, ऊपर में जो आपने निकाल कर रखा जो वैल्यू, उसको वैल्यू को डायरेक्ट यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। सो पूछा है कि एल 37 80 और एच सी एफ हमने निकाला था 12, इन दोनों को आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करके आंसर दिखा देना है। यही बेनिफिट है आपका पैसेज वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। सो 0, सो 45360, क्या आंसर आया, 45360। सो क्या आपने देखा, एल सी एम पहले हमने निकाल रखा था, एस सी एफ पहले निकाल रखा था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया कि आपका क्या लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ एल सी एम एंड एस सी एफ। तो आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं, डबल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, राइट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 108 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। अब 108 को क्या करना है, प्राइम के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। 108 आप पहले प्राइम फ्रैक्शन कर लीजिए, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 एंड देन 3 3। सो क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सो 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 3। सो 2 टू पावर 2, 2 टू द पावर 2 इंटू 2 3 टू द पावर 3। सो 2 टू द पावर 2 इंटू 3 पावर 3, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द एल सी एम ऑफ गिवन नंबर x एंड y, वेयर y इज अ मल्टीपल ऑफ x इज गिवन y। देखिए क्या बोला क्वेश्चन में, y इज मल्टीपल मल्टीपल ऑफ x। अगर आप x लेते हो 3, तो y का वैल्यू क्या हो सकता है, y इक्वल्स टू हो सकता है 6 9 12 एंड सो ऑन सो ऑन। सो आप अगर x 3 है और y 6 है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, देखिए 3 और 6 का एलसीएम अगर निकालते हो आप, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सो 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6। सो क्या आया हमारा, y आया एलसीएम। तो क्या होगा ऑप्शन, सो गिवन ऑप्शन ही देखिए, फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, द एलसीएम ऑफ अ गिवन नंबर x एंड y, वेयर y इज अ मल्टीपल ऑफ x इज गिवन y। तो एलसीएम क्या होगा x एंड y में, y इज द ऑप्शन, क्या होगा इसका एलसीएम होगा y। आपको एग्जांपल के साथ में प्रूव कर दिया, y इज द आंसर। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द लार्जेस्ट नंबर डैट विल डिवाइड दिस दिस एंड दिस लिविंग रिमाइंडर दिस 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 रेस्पेक्टिवली। अब क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर आपको निकालने हैं। लार्जेस्ट नंबर मतलब क्या हो गया, एस सी एफ आपको निकालना है। एस सी एफ किन का निकालना है, तो 3 9 8 माइनस 7 इनका, 4 36 माइनस 11 इनका, एंड 542-15। ये जो रिमाइंडर माइनस करके जो आंसर आएंगे, वैल्यू आएंगे, उनको क्या करना है, उनका एस सी एफ निकालना है। सो यहाँ क्या आएगा, 391, यहाँ पे आएंगे आपके 5 यहाँ पे इसको क्या करिए, माइनस कीजिएगा तो आपका 5 आएगा, 2 आएगा, 245 आ जाएगा। ओके, देन यहाँ पे माइनस कीजिएगा 527। अब इनका क्या करना है आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एस सी एफ निकाल देना है। एस सी एफ निकालने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, इन सब का क्या कीजिए आप, जनरली एस सी एफ अगर आप निकालते हो, सो अगर डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं तो डिवीजन मेथड यूज़ कर सकते हैं। 391 को डिवाइड कर लो आप ये नंबर से, 425, वन टाइम्स कितना आएंगे, 391, यहाँ कर देंगे 434, ठीक है। फिर इसको करिए 391 से, सो यहाँ 5 आ गया, कैंसिल आउट 1 आया, 1 टाइम्स ऑड कर लीजिए आपका ये 34 7 1 17, ठीक है। इसको करिए 34 से, 7 टू ज़ा 34 होता है, सो ये 17 यहाँ पे आ गया। अब 17 से क्या करो, डिवाइड कर लो आप इसको,
17 से इसको डिवाइड करके देखिए 527 को 17 से जब 51 कैंसिल आउट हो गया, मतलब क्या है 17 जो है वो इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सो 17 क्या होगा इसका HCF ग्रेटेस्ट नंबर, 17 इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड दिस नंबर लिविंग रिमाइंडर बिहाइंड इट। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 16। देर आर 312, 260 एंड 15 स्टूडेंट इन अ क्लास 10, 11 एंड 12 रेस्पेक्टिवली। बसेस आर टू बी हायर टू टेक दिस स्टूडेंट टू अ पिकनिक। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन सीट इन अ बस इफ ईच बस टेक्स इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो मैक्सिमम अगेन पूछा है, क्या पूछा है मैक्सिमम, मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, HCF निकालना है। किनका HCF निकालना, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर किनका, 3, 1, 2, 6, ठीक है। सो हम लोग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड आप यूज कर सकते हैं, प्राइम फ्रैक्शन जो मर्जी आप वो कर सकते हैं। 2 टाइम्स करेंगे तो 3, 1, 2, सो 56 तो डिवाइड हो गया। चलो अब चेक करते हैं हम लोग कि ये 56 होता है कि नहीं। 156 को करो आप इसको 260, 1 टाइम्स 156, सो 1 टाइम्स 104, सो 2 आ गया यहाँ पे, यहाँ आ गया 5, ये कैंसिल आउट, 104 जो होता है वो 2 टाइम्स कर जाएगा 10, सो क्या हो जाएगा 52, क्या कर दिया इसको डिवाइड कर दिया, सो 52 इज द करेक्ट आंसर। 52 क्या होगा, 52 इज द मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट दैट कैन सीट इन अ बस, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। प्रिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, हरीश टेक्स 12 मिनट। Suppose they both start at the same point and at the same time and goes in the same direction, then after how many times will they meet? कितने time बाद दोनों क्या करेंगे, मिलेंगे, मतलब क्या है इसका और इसका, आपको क्या निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे स्टार्टिंग एक बार आपसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल दीजिए आप किसका, 18 एंड 12 का, वही क्या होगा आपका आंसर होगा। सो 2, 9 एंड 6, 3, 3 द 9, 3, 2 द 6, ओके। सो आपका 2 × 3 × 3 × 2, 3, 2 द 6, 3, 2 द 6, 6 × 6, दैट इज द 36। 36 मिनट इज द करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एक्सप्रेस 98 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। अब क्या करना है आपको, 98 को प्रोडक्ट के प्राइम फॉर्म करना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करिए आप इसका, 98, 49 एंड देन 7, 7 जा 49, दैट 2 × 7 × 7, दैट इज 2 to the power 1 × 7 to the power 2, 2 to the power 1 × 7 power 2, दिस ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। और 196 प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और चेक करना है कि उसके एक्सपोनेंट्स जो है उनके सम क्या होंगे। 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए आप, 2, 8, 8, 2, 4, 4, 2, 2, 2, 2, 1, 1, सो क्या आ गया, 2 × 2 × 2 × 2 × 11, 2 to the power 4 × 11 to the power 1, सो क्या है एक्सपोनेंट्स के पावर कितने हैं, 4 + 1, दैट इज 5। सो इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्या है एक्सपोनेंट्स का सम पूछा है, सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द फैक्टर्स इन अ प्राइम फ्रैक्शन इज दिस वन। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। द टोटल नंबर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज, किसी एक प्राइम नंबर का टोटल फैक्टर कितना होता है। किसी प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, जो नंबर सेल्फ खुद से डिविजिबल हो एंड वन से, तो कितने फैक्टर्स हुए दोनों के, 2। कितने होते हैं, किसी एक प्राइम नंबर का 2 फैक्टर होता है, 2। ओके, कमिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ये भी क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। टू एनहेंस द रीडिंग स्किल ऑफ अ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स द स्कूल नॉमिनेट्स
यू एंड टू ऑफ योर फ्रेंड टू सेट अप अ क्लास लाइब्रेरी सेक्शन ए एंड बी ऑफ ग्रेड 10. देयर आर 32 स्टूडेंट इन सेक्शन ए एंड 36 स्टूडेंट इन सेक्शन बी. ए में कितने हैं? ए में आपके हैं 32 और बी में हैं आपके 36 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, पहला क्वेश्चन इस स्टेटमेंट से रिलेटेड. What is the minimum number of books you will required for the class library so that they can be distributed equally among the students of section A and B? क्या बोला है? मिनिमम. मिनिमम जैसे ही क्वेश्चन सुनोगे LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स आपको निकाल देने हैं. LCM किसका? 32 और 36 का. 32 एंड 36 का LCM निकालिए. 32 एंड 36. ओके, अब फर्दर नहीं होगा. 288 is the minimum number of books required for the library. ठीक है, of books required for the library. Question number 22. If the product of two positive integers is equal to the product of their HCF and LCM is true, then HCF of this and this is. इसका क्या होगा? HCF क्या होगा आपको? ठीक है, सो देखिए इन दोनों का HCF आपको निकालना है. ओके, सो HCF क्या हो जाएगा? अभी हम लोगों ने LCM निकाल रखा है. LCM हम लोगों ने निकाल रखा है 288. ओके, आपसे पूछा है HCF, पूछा है आपसे. अगर आपको फॉर्मूला याद हो, सो HCF इंटू LCM इक्वल्स टू नंबर वन इंटू नंबर टू. अब LCM तो हमने निकाल रखा है 288, हमें HCF निकालनी है. और पहला नंबर कितना है हमारा? फर्स्ट नंबर इज 36 और सेकेंड नंबर इज 32. सो HCF क्या हो जाएगा? 36 इंटू 32 बाई 288, 9 टाइम्स 4 टाइम्स. सो क्या आया हमारा HCF? क्या आया? 4. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट. एक ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक्चुअली दिया हुआ है क्या प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF, इसलिए हमने ये मेथड यूज़ किया. नहीं तो अब जनरली आप HCF निकाल के भी आंसर निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम. कब देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. 36 एंड कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स. 36 को क्या करना है? एक्सप्रेस करना है आपको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. तो 36 का क्या करना है आपको? प्राइम फ्रैक्शन करना है. 218, 29 एंड 33. सो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2. सो 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू पावर 2. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. दिस इज अ, ये क्या है? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर. सो क्या होंगे? सारे का प्रोडक्ट होंगे तो क्या बनेंगे आपको? प्राइम नंबर बनेंगे. और क्या बनेंगे? सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. इफ क्यू एंड पी आर द पॉजिटिव इंटीजर सच दैट पी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर एंड क्यू इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी, वेयर ए कॉमा बी आर द प्राइम्स नंबर्स. ठीक है, दे आर LCM ऑफ पी और क्यू. क्या है? P और Q का LCM क्या हो गया? ठीक है, सो P एंड Q का LCM देखिए. पहले तो P इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है? P इक्वल्स टू ए बी, दैट इज क्या लिख सकते हैं हम लोग? A इंटू बी, ए बी स्क्वायर. ओके, B इंटू बी. एंड Q इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है हमारा? ए स्क्वायर बी, दैट इज A इंटू ए इंटू बी. अब हमसे पूछा है एल सी एम, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स. पहले दोनों में कॉमन क्या क्या वो लिख लो. पहले ए है, ओके, और क्या है इधर? बी है, ये भी बी है. अब क्या जो बचा था उसको भी लिख देते हैं. तो यहाँ पे ए लिखाओ और बी लिखाओ. सो क्या बचा? ए इंटू ए ए स्क्वायर और बी इंटू बी बी स्क्वायर. तो एल सी एम ऑफ पी और क्यू इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26. For some integers p, every even integer is of the form. अब देखिए किस फॉर्म में होंगे? आपको क्या बोला है कि even integers, क्या बोला है आपसे? Even integers होंगे. कुछ integer p है तो even integers क्या किस फॉर्म में होंगे? सो हमारा क्या होता है? 2 into p,
पी का वैल्यू आप बोल लो पी इक्वल्स टू वन ले लीजिए, टू ले लीजिए, थ्री ले लीजिए, फोर ले लीजिए, क्या आएगा हमारा, टू इंटू वन दैट इज द टू, टू इंटू टू फोर, टू इंटू थ्री दैट इज द सिक्स। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, टू पी ये फॉर्म में अगर रहे तो सारे कैसे रहेंगे, इवन नंबर आएंगे। ओके कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, दिस इज व्हाट, क्या है ये, रैशनल एन इरेशनल और नेचुरल नंबर और इंटीजर्स। तो क्या करना पड़ेगा, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सो 6 प्लस क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में देखिए, 6 प्लस 5√3 माइनस ऑफ 4 माइनस 3√3। अब 6 प्लस 5√3 माइनस 4 प्लस 3√3, तो 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 2, और 5 प्लस 3 8√3। ये कैसे नंबर हो गए, इरेशनल नंबर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट इरेशनल नंबर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, इफ HCF इक्वल्स टू 8, LCM इक्वल्स टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ y, HCF ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर इज 8, LCM ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर इज 48, देन द वैल्यू ऑफ y इज व्हाट। अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था कि HCF इंटू LCM इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ओके सो HCF, व्हाट इज HCF हियर, 8। सो 8, व्हाट इज द LCM हियर, LCM इज 48, व्हाट इज द फर्स्ट नंबर 16, व्हाट इज द सेकेंड नंबर y। सो यहां से आपका y का वैल्यू निकल जाएगा 8 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल्स टू ए वाई। सो 8 टू द 16 टू 24, सो y इक्वल्स टू कितना आया, 24। सो 24 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, द नंबर पाई इज, पाई क्या है, रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। सो पाई को हम लोग इरेशनल बोलते हैं, रेशनल नंबर है, पाई का वैल्यू होता है 22/7। ओके नो प्रॉब्लम, बट इट इज अ इरेशनल नंबर। ओके कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टेट्स दैट टू पॉजिटिव इंटीजर्स A and B, there exists unique integers Q and R such that A equals to BQ plus R, where R must satisfy. So R का वैल्यू कहां पे सेटिस्फाई होगा, सो R क्या हो सकता है, R क्या हो सकता है B के साथ, क्या होगा इसका रिलेशन होगा। सो R क्या हो सकता है, R मिनिमम क्या हो सकता है, जीरो, ठीक है। सो जीरो इज लेस देन इक्वल्स टू R और R लेस देन B, मतलब B से बड़ा तो होगा नहीं, B से बड़ा रिमाइंडर कभी होगा नहीं होगा। सो B से बड़ा R नहीं हो सकता है, R क्या, रिमाइंडर जीरो हो सकता है और B से छोटा हो सकता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ये MCQ का सीरीज वीडियो है, MCQ हमने कंप्लीट कर लिया है, इस चैप्टर का हम लोग केस स्टडी, अदर वीडियोज कुछ एक दो केस स्टडी हम लोगों ने किया है, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। सो ये वीडियो अच्छे से देखिए, ये ज़्यादा जितने भी क्वेश्चंस हैं ज़्यादा चांसेस है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। सो अच्छे से वीडियो देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिए। थैंक यू, जय हिंद।